जीना सिखा रहे हैं कि जो भी यूथ इधर उधर भटक चुके थे उनको वो सिखा रहे हैं कि आप अपने सत्य सनातन धर्म को मानिए, यही सत्य है, यही अटल है। तो मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और मोदी ने मुझे बात बता चुकी है कि उसके कहीं ना कहीं परदादा हिंदू थे। अभी हम नौबतपुर के तरेत मठ पाली मठ में हैं और ऐसे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और ऐसे में पटना से पहुंचे हैं, मैडम हमारे साथ हैं और श्रद्धा को लेकर हम बात करेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी जय सीताराम, मेरा नाम वेदिका है, मैं पटना से आई हुई हूँ। श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जी बिल्कुल, मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी, जो हमारे पटना के यूथ को कहना चाहूँगी, बिल्कुल सुनिए, ये खुद एक यूथ है और ये हम लोगों को अभी के अध्यात्म से रूबरू कराएंगे, तो बिल्कुल आइए और आके आप जरूर इनसे इनकी बातों को सुनिए, राम कथा को सुनिए, हनुमान कथा को सुनिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। भारत तो हिंदू राष्ट्र ऐसे भी है, पर ये जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। भारत को हिंदू राष्ट्र जरूर बनाना चाहिए, भारत को धर्म गुरु राष्ट्र जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि भारत में जन्म लिए वाले जो भी इस देश में जन्म लेते हैं वो अपने आप में हिंदू, वो किसी और धर्म के हो नहीं सकते। मतलब क्या कि उनका धर्म इस्लाम हो सकता है, उनका धर्म पारसी होता है, उनका धर्म क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन उनका मूल तत्व हिंदू ही है। उनके कहीं ना कहीं साथ कुछ पहले वो हिंदू ही होंगे, तो वो हिंदू ही है, वो ये बात को समझें, बट अभी जो उनका धर्म है वो उसी धर्म को प्रैक्टिस करें, उसमें कोई दोहराई नहीं। हम उनको कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस देश में जो भी जन्म लेगा वो हिंदू ही है, इस बात को मैं भी सपोर्ट करती हूँ। सवाल ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर हमारे देश में सर्वधर्म संभव नहीं रहेगा। बिल्कुल भी नहीं, जितना व्यक्ति है वो सब हिंदू धर्म को ही फॉलो करता है। बिल्कुल, आज जिस तरीके से वाचन कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो कह ही रही हूँ कि मैं सबको बोल रही हूँ, सारे यूथ को बोल रही हूँ, आप आइए आके सुनिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में। ये बिल्कुल हम लोगों को नया जीना सिखा रहे हैं कि जो भी यूथ इधर उधर भटक चुके थे उनको वो सिखा रहे हैं कि आप अपने सत्य सनातन धर्म को मानिए, यही सत्य है, यही अटल है, इसी धर्म को मानिए और राम कथा को, भागवत कथा को, हनुमान कथा को, इन्हीं देवी देवताओं को आप फॉलो कीजिए। तो मैं ज़रूर यूथ को अपील करना चाहूँगी, आके आप इनको ज़रूर सुनिए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री सबसे कम उम्र में एक काफ़ी जानकार, मतलब कि हनुमान के भक्त और बजरंग बली के भक्त, श्रीराम के कथा कहने वाले हैं, डैशिंग चेहरे हैं, अट्रैक्शन है और जहाँ जाते हैं वहीं फिजा बदल जाती है, क्या कहेंगे? शायद भगवान ने उनका ऑरा ऐसा बनाया है, उनके अंदर एक अलग वाइब्रेशन है जिससे हमको लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। बात आती है कि अर्जी लगाने की बात आती है कि जो लोग अर्जी लगाते हैं तो बड़े आस्था के साथ जाते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा हो जाता है, क्या कहेंगे? बहुत लोगों में ऐसा पावर होता है, भगवान की विशेष कृपा होती है कि उनके मुख पे सरस्वती माँ का आशीर्वाद होता है, तो शायद इनके ऊपर वैसे ही हनुमान जी का, माता सरस्वती की कृपा है। ये जो भी इनके पास जो भी अर्जी लेके आता है तो ये सबकी बात सुन के और सबके दुखों का नाश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुआ और लोग उनको मतलब कि ट्रांसपेरेंसी के लिए सोचे कि जो ये सही में इनके अंदर में भक्ति है, शक्ति है या नहीं है, तो लगातार मीडिया ट्रायल्स हुआ, पर्दाफाश हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ये हर जगह से मतलब कि जीत गए, क्या लगता है आपको? मुझे यही लगता है कि इनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है, इसी वजह से ये हर कुछ जीत सकते हैं। आज मैडम, आज मतलब उनका जो गाना था, सॉन्ग है, आप मतलब रोक नहीं पाए आपने आपको, तो आपने जो डांस बहुत किया, पावर था बहुत, और ऐसे में मैं बहुत स्पिरिचुअल, तो मुझे स्पिरिचुअल गाने पे डांस करना बहुत पसंद है, मैं कथक की डांसर हूँ, तो ऐसे भी मैं थोड़ा
अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे आध्यात्मिक गानों पे डांस करना बहुत पसंद है, तो मैं बस घूमने लगी। थैंक यू, धन्यवाद।